हरी सीएस के दोस्तों, आज के टेक न्यूज के एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और इंट्रो लगाओ यार। तो दोस्तों, बात करते हैं पहले न्यूज के बारे में जो कि है उबर की तरफ से। बेसिकली उबर का आने वाला है सेल्फ ड्राइविंग कार, तो उसका टेस्टिंग जो है चल रहा है वाशिंगटन में। तो ऐसे में जो है 3 व्हीकल्स को हायर किया गया और वहां पे जो है मैनुअल जो है उन व्हीकल्स को ऑपरेट किया जा रहा है, चलाया जा रहा है, वहां पे डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है। तो ऐसे में जो है वहां पे जो है जल्द ही जो है सेल्फ ड्राइविंग कार्स होने वाले हैं उबर का, तो वहां पे जो है लोग आसानी से यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जो है नॉर्मल लोग जो है सेल्फ ड्राइविंग कार को अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ऐसे में जो है इंडिया में अगर आ जाते हैं तो हम भी इस चीज का मजा उठा पाते, कोई भी इंसान जो है उठा पाएगा इस कार का मजा, मतलब सेल्फ ड्राइविंग कार जो है उसका मजा उठा पाएगा। तो देखते हैं यार इंडिया में कब जो है ये सेल्फ ड्राइविंग कार आएगा। तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में जो कि है गूगल की तरफ से। बेसिकली गूगल का एक सर्विस आने वाला है जिसका नाम है गूगल डेटा सर्च। तो यहाँ पे जो है आपको 25 मिलियन तक का जो है डेटा का रिच मिलने वाला है। मतलब थोड़ा सा आप लोग को समझा देता हूँ, जैसे आप किसी चीज को ढूंढते हो ना गूगल में, तो कभी कभी जो है वो चीज आपको नहीं मिलता आसानी से, आपको स्क्रोल करना पड़ता है, एक पेज में जाना पड़ता है, दूसरे पेज में जाना पड़ता है, उसके बाद ही आपको वो मिलता है। या फिर कभी कभी जो है वो चीज आपको नहीं मिलता, बाद में जो है आपके फ्रेंड आपको उसका लिंक दे देते हैं। तो ऐसे में जो है गूगल क्या कर रहा है, वहां पे जो है आपका रिच को बढ़ा रहा है। तो बेसिकली वहां पे जो है आप किसी चीज को सर्च करोगे तो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, यानी कि इस सर्विस के मदद से जो है आपको चीजें बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लोगों को जो है ज्यादा स्क्रोल नहीं करना पड़ेगा। बेसिकली वहां पे एक फीचर आ जाएगा गूगल में, जैसे इमेजेस, वीडियोस, न्यूज होता है ना, तो वहां पे टेबल्स का भी फीचर आ जाएगा। मतलब अगर आपको कोई टेबल ढूंढना है तो वहां पे आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उसका नाम जो है डाल दो गूगल में, तो वहां पे जो है आपको टेबल जो है वो डायरेक्टली मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जो ये फीचर है जल्द ही जो है मोबाइल फोन्स में भी आने वाला है। तो यहाँ पे जो है आपको ढूंढने की अब जरूरत नहीं है किसी भी चीज को। 25 मिलियन तक का डेटा रिच आप लोगों को मिलेगा, तो यहाँ पे जो है आपके लिए आसान होने वाला है। देखते हैं यार कैसा रहता है ये फ्यूचर। तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में जो कि है इसरो की तरफ से। इसरो ने बनाया है एक हाफ ह्यूमेनॉइड रोबोट और उसका नाम दिया है वियो मित्र। तो उसको जो है स्पेस में भेजा जाएगा एस्ट्रोनॉट्स के साथ, ताकि जो है वो एस्ट्रोनॉट्स को हेल्प कर पाए और एक इंसान की तरह जो है वहाँ पे काम कर पाए, टाइपिंग वगैरह जो भी कंप्यूटर वगैरह का काम है उसको मैनेज कर पाए। तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे इंटरस्टेलर मूवी में एक टारस करके रोबोट था, तो ऐसा ही मतलब वो जैसे हेल्प करता था ना उन लोगों को, तो ऐसे ही जो है इंडिया के जो एस्ट्रोनॉट्स है उनको हेल्प करने वाला है ये रोबोट, यानी कि व्योम मित्र। तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में जो कि है एयर ट्रैफिक के बारे में। अमेरिका में जो है बहुत सारे ड्रोन्स उड़ाए जाते हैं और वहां पे जो है एयर का ट्रैफिक हो गया है, तो आप सोच भी नहीं सकते एयर में ट्रैफिक। तो यहाँ पे जो है एयर ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए लगभग $4 मिलियन खर्चा किया गया है उनके मैप्स को बनाने के लिए। तो बहुत ज्यादा ड्रोन्स उड़ाए जाते हैं, ऐसे में जो है वहां पे कभी कभी टक्कर हो जाता है और ट्रैफिक जो है बहुत ज्यादा हो गया है। तो दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो कितना आगे बढ़ चुका है। हम जो है ऐसे टीवी वगैरह में देखते थे भाई कि जो एयर में जो है बहुत सारी चीजें उड़ रहे हैं, वहां पे स्पेसशिप आ रहा है, बहुत सारी चीजें, अभी तो सिर्फ ड्रोन है लेकिन बाद में जो है ये सारे चीजें भी आने वाले हैं। देखते हैं यार और क्या क्या नए टेक्नोलॉजीज आने वाले हैं। तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में जो कि है एप्पल की तरफ से। बेसिकली एप्पल का आईफोन 9 आने वाला है और शायद एप्पल वाले भूल गए थे 9 को बनाना, डायरेक्ट 11 को बनाने चले गए थे, तो यहाँ पे वो लोग बना रहे हैं और फरवरी से जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग होगा और मार्च तक जो है वो मिलने लग जाएगा। देखते हैं यार दोस्तों कैसा होता है एप्पल का आईफोन 9। तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में जो कि है डीजी यात्रा के बारे में। तो ये जो है एक प्रोग्राम है डिजिटल इंडिया का, तो यहाँ पे जो है बेंगलुरु में बेसिकली एयरपोर्ट में वहाँ पे फेस आईडी के मदद से जो है लोगों को एंट्री और एग्जिट के लिए ये सर्विस दिया गया है बेसिकली। तो दोस्तों जब कभी भी हम एयरपोर्ट में जाते हैं या फिर वहां से एग्जिट करते हैं तो वहां पे जो है हमें अपना आईडी दिखाना पड़ता है, तो यहाँ पे जो है इस फीचर के वजह से जो है यहाँ पे आपको कोई भी आईडी दिखाने की जरूरत नहीं है, मतलब पेपरलेस है पूरा, आपका जो फेस है वही होगा आईडी और आपके फेस को देख के ही आपको अंदर जाने दिया जाएगा और आपको बाहर भी आने दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है गूगल के सीईओ यानी कि सुंदर पिचाई उन्होंने कहा है कि इस प्रोग्राम का जो है बहुत ही मिसयूज किया जा सकता है, ऐसे में जो है कोई भी अंदर जा सकता है और बाहर आ सकता है, एयरपोर्ट में घुस सकता है। और हाँ दोस्तों मैं भी साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करता हूँ, तो ऐसे में मेरे हिसाब से भी जो है ये ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है डेटा को ठोरा इधर उधर करके कोई भी इंसान घुस सकता है बहुत ही आसानी से और बाहर भी निकल सकता है। तो दोस्तों देखते हैं यार गवर्नमेंट जो है इस सर्विस को लेके क्या करते हैं, इसमें इंप्रूवमेंट करते हैं या फिर इसको चेंज कर देते हैं, देखते हैं कोई जो कोई भी नया अपडेट आए मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो दोस्तों जो क्लास 12 के बच्चे होते हैं ना वो बाद में जो है एक साल का ड्रॉप लेते हैं ताकि जो है खुद को इंप्रूव कर पाए, इसी तरीके जो है पोको ने जो है ड्रॉप लिया था एक साल का।
तो लोगों को लगा था कि पोको के जो फोन है वो नहीं आने वाला है, यानी कि उनका ब्रांड जो है मतलब डाउन हो गया या फिर पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन अभी जो है पोको का सीजन 2 यानी कि पोको के नए फोन्स आने वाला है, पोको F2 आने वाला है और बहुत सारे पोको के प्रोडक्ट्स आने वाला है। तो यहाँ पे जो है मार्केट में जो है बहुत बड़ा टक्कर होने वाला है, क्योंकि पोको F1 जब आया था तो उसने भी मार्केट में बहुत ज़्यादा मतलब टक्कर दिया था। तो यहाँ पे देखना यह है कि पोको के नए फोन्स कैसे होते हैं और उनके जो नए टेक्नोलॉजी मतलब नए नए चीज़ें होंगे, एक्सेसरीज होंगे, वो कैसे होते हैं। तो दोस्तों बस आज के टेक न्यूज़ में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।